अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जमरात में। या बोर्ड देख सकते हैं पीछे, ये सारा जो है ना पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं हज के दौरान। तो अभी हम लोग यहाँ पर रश तो नहीं है कि उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन हम अपनी आए हैं वो ट्रांसपोर्ट पे, अपनी हमारे पास गाड़ी थी इसलिए हम लोग अंदर आ गए हैं, वरना अभी अलाउ नहीं है अंदर जो है। तो आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं जाके, आइए हमारे साथ। ये अभी हम लोग इंटर होने लगे हैं अंदर। ये नीचे ग्राउंड में, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हम लोग यहाँ पहुँच आए हैं। यहाँ पर कंकरियाँ मारी जाती हैं, लेकिन ये हम लोग ग्राउंड पे हैं। दूसरी मंजिल पर भी ऐसे ही है, ऊपर तीसरी चौथी पर भी यही है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये है दरमियाना स्थान, यानी कि एक मतलब एक रस्म में दाग की जाती है। स्थान तो नहीं है, तो ये वो पत्थर ही गए कि उन्होंने एक पिलर बनाया होगा, पिलर नुमा। तो आइए हम आपको थोड़ा को करीब ले कर चलते हैं। देख यहाँ पर दुराने हज टंकियाँ मारी जाती हैं। ये देख, ये देख सकते हैं आप, ये इसी तरह का दूसरा है, वो देखें तीन है टोटल। ये उसके मैं जूम करता हूँ, ये वो नज़र आ रहा है आपको, ये है एक दूसरा, ये आप देख चुके हैं। तीसरा वो आगे है, ये देख के ना दें। ये अभी हम जो है ना आज रस्मी स्थान को कंकरी मारने लगे हैं। ये आप भी देखें, ये कंकरी उठाई हमने यहाँ से, इसको भी हम मारेंगे। ये कंकरी मारी हमने जी, ये आप देख सकते हैं। ये सारा जो है आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रश क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं है, सिर्फ हमें लोग यहाँ पे क्यों हैं। ये पीछे स्थान आप देख रहे हैं, असल में हमारे पास जो है ना अपनी कन्वेंस है, तो मेरा कज़न है यहाँ पर, वो हमें ले गया यहाँ पर ख़ास ये एक रूट से। लेकिन जो बसों वाले या जो टूर कंपनियाँ आ रही हैं, लेके आ रही हैं जो ज़ियारत के लिए, उनको वो बाहर से दिखा देते हैं कि अंदर जो है ना आप नहीं जा सकते, रोड बंद किया हुआ है। हम भी तकरीबन जो है ना ये कुछ चार पाँच रस्ते हमने चेंज किए हैं, फिर हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो लिहाजा इसलिए तकरीबन मेरा ख्याल हमारे अलावा यहाँ पर और कोई फैमिली नहीं है। एक फैमिली थी, वो चली गई है, हम सिर्फ इस वक्त हम ही यहाँ मौजूद हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, पहले हम दिखा चुके हैं आपको, दोबारा देखें। ये पीछे जो है स्थान है, आप इसको ये देखें, ये देख वो तो आप पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ, दोबारा जूम करता हूँ। ये हम उधर नहीं जा रहे, मतलब एक ही एक जैसे ही है, वो छोटा स्थान है, ये उससे थोड़ा बड़ा है। और तीसरे नंबर पे वो जो नज़र आपको आ रहा है, अभी हम उधर लोग जाते हैं करीब, वो आपको ना दिखाते हैं। ये देखें वो आ रहा है, ये काफ़ी ना बड़ा हाल बना हुआ है। हम तो खैर नीचे है ना ये ग्राउंड पे, लेकिन कितने फाकत पे मंजिलें हैं ऊपर, चार मंजिलें हैं ऊपर जो है। तो ताकि रश ज़्यादा होता है, इसलिए अब उन्होंने जैसे ना ये, अगर आपने उधर गए हैं सफ़ा मरवा में, वहाँ भी तकरीबन तीन चार मंजिला उन्होंने बनाया हुआ है, इसी तरह यहाँ भी इन्होंने ये तीन चार मंजिला बना दिया है, ताकि इसलिए रश बहुत ज़्यादा होता है। ये है अल जमरा अल कुबरा, यानी कि बिग स्थान, बड़ा स्थान, ये जो अभी हम वहाँ पे पहुँचे हैं। ये भी देखें हम आपको भी यहाँ दिखाते हैं ग्राउंड लगा के। ये इस वक्त जो हम राउंड लगा रहे हैं, ये बिग स्थान है, मतलब कि ये अलामती तौर पर ये बुत बनाया गया है, जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने स्थान को कंकरियाँ मारी थी। तो ये तीन जगह पे उन्होंने तीन मकाम जो है ना बनाए हुए हैं, छोटा स्थान, उससे फिर बड़ा, उससे बड़ा। ये अभी जो हम इस वक्त तो ये राउंड लगा रहे हैं, ये बड़े वाला है, बिग जो है।
ये अभी हम भी यहाँ से कोई कंकरी उठाते हैं कोई रस्मी तौर पे, फिर अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो हाजी का दौरान मारेंगे, लेकिन फिलहाल हम जाना कोई भी कंकरी उठा के एक मारते हैं इसको, ताकि हम भी जो है ना एक रस्म और स्थान से हजार नफरत जो है वो कर सकें। तो इसका मकसद भी यही होता है कि स्थान से ये नफरत और एक अमल जो किया है नबी ने उस पर अमल भी हो जाए, क्योंकि ये रुकन है हज का। कुछ लोग यहाँ जो आई हुई फैमिली को मार रही हैं, यहाँ ये देखें, लिहाजा अब हम भी एक उठाते हैं तो कंकरी मारते हैं, ये भी मारने लगे हैं। ये नीचे से जगह बनी हुई है इसकी, ये कंकरियाँ जो भी लोग मारते हैं वो देखें साथ में, वो नीचे गिर जाती हैं, जब नीचे गिरती हैं वो फिर गाड़ियों में उठा लेते हैं और उठा के कहीं जहाँ भी बाहर फेंकनी होती है वहाँ फेंक देते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पर बकायदा जगह काफ़ी। तो अभी हम ये वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा है, काफ़ी एसी वगैरह लगे हुए हैं, एसी तो खैर नहीं लगे हुए, एसी के बगैर ही मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन हज के दौरान यकीनन ये एसी जो है ना ये ऑन करते होंगे। तो अभी हम लोग ये बाहर जा रहे हैं।